स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने वॉलपेपर स्केच चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने मनपसंद वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले। तो आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा एक ऑप्शन आता है यहाँ पर वॉलपेपर, तो वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे। अगर गाइस आपको अपने फोटोज़ लगाना है तो आप फोटोज़ पे भी लगा सकते हैं। वॉलपेपर लाइव वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो आप वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं देखने के लिए। जो भी गाइस आपको वॉलपेपर लगाना है अपने, आप यहाँ से चेंज करेंगे। अगर आपको दूसरा चेंज करना है आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइस इस पर राइट क्लिक का ऑप्शन आता है तो राइट क्लिक करेंगे। अगर आपको होम स्क्रीन पर लगाना है तो होम स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। अगर लॉक स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन पर लगा सकते हैं। अगर आपको दोनों पे लगाना है गाइस तो यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने वॉलपेपर्स लगा भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।